Hello, bachcho. Sat Sri Akal and Namaste from my side. Hi, everyone. How are you all? Kaise ho, bachcha ji? Badhiya, ekdam badhiya. Hi, everyone. Okay, guys. So, first of all, I will welcome you all. Unacademy NEET Live Daily. ठीक है बच्चा जी, सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ बच्चा जी. एंड एज यूजुअल दिन का एंड होने वाला है, लेकिन गाइस हैप्पी गुड़ी पड़वा. आज पहली नवरात्रि भी है, गुड़ी पड़वा भी है, राइट? सो टू यू एंड योर फैमिली विशेस फ्रॉम माय साइड. ठीक है बच्चा जी, थैंक्स फॉर बीइंग हियर. सो गाइस, आज का जो सेशन है वो वेव्स पे रहेगा, ऑर्गन पाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. हर बार इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स में हमें प्रॉब्लम होती है. ठीक है बच्चा जी, होती है ना? हाँ, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स में हमें हर बार प्रॉब्लम होती है. आज इस प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखेंगे, सारे ऑर्गन पाइप्स को हम अलग नजरिए से देखेंगे और इस प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे. ठीक है बच्चा जी, एकदम क्लियर है? चलिए गाइस, तो जिन लोगों के लिए नया हूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. माई सेल्फ इंद्रजीत सिंह, ठीक है बच्चा जी, हैविंग 5+ ईयर. हमने डे टू डे लाइफ से एग्जांपल रख दिया आपके सामने, उसमें से फिजिक्स पढ़ ली, फिजिक्स को कोरिलेट कर लिया. बस यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए. क्लियर है बच्चा जी, यही तो चाहिए. अब ध्यान से देखिएगा बच्चा जी, टेलीग्राम ऐप है, कुछ इस तरीके से दिखती है. आप डाउनलोड कीजिए, ब्राउजर में जाइए और बच्चा जी tinyurl.com/neetlivechat. क्लियर है बच्चा जी, इस लिंक को एंटर कर दीजिए. इस लिंक को एंटर करने के साथ तुरंत you will have an access to the top educators of the country. आप हमारे साथ कर सकते हैं सीधी बात. ठीक है बच्चा जी, चलिए ध्यान से चलते हैं. ध्यान से देखिएगा बच्चा जी, ये लिंक जो दिख रही है आपको tinyurl.com/neetmobile, इसका फायदा क्या है? पूरा अनअकैडमी का खजाना आपको मिल गया है, पूरा अनअकैडमी का खजाना आपको मिल गया है बच्चा जी. बहुत सिंपल सी चीज है. अगर आपको बायोलॉजी के वीडियोस देखने कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स के वीडियोस देखने कोई प्रॉब्लम नहीं है, केमिस्ट्री के वीडियोस देखने बच्चा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कर दीजिए प्रेस प्ले, सारा अनअकैडमी का खजाना मिल जाएगा गाइस. पीडीएफ भी अवेलेबल है. ठीक है बच्चा जी, आपको बस करना है लिंक एंटर, जहां भी होंगे ये सारा दिख जाएगा आपको. चलिए गाइस, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूं थोड़ा. सी, टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री आर टेकिंग लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरेक्ट विद एजुकेटर्स, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड. आप सेशन में रहेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, चार ऑप्शंस रह जाएंगे, उसमें से सिलेक्ट कर लो और क्लास में आपकी रैंक क्या है वो जान लो. आपके खुद के रेक्टिफिकेशन के लिए टेस्ट सीरीज आएगी और जिस एजुकेटर से पढ़ रहे हो या कोई भी एजुकेटर से आप अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो. ठीक है बच्चा जी, देखिए लॉट्स ऑफ कोर्सेज आर गोइंग ऑन अनअकैडमी. ओके गाइस, अब तुम लोगों के दिमाग में ये आएगा हम जुड़ेंगे कैसे, तो गाइस कुछ नहीं करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल कर देना है, फिर हमें सिलेक्ट करना है बच्चा जी प्लस. ठीक है, फिर हमें सिलेक्ट करना है नीट और बच्चा जी कर देना है सब्सक्राइब. गाइस, जो 1 ईयर या 2 ईयर के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? हाँ, इस कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इज लाइव. इंद्रजीत सर इज लाइव, यू ऑल आर लाइव, फिजिक्स इज लाइव. बच्चा जी इमीजिएटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीजिएटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. प्राइस ड्रॉप भी हुए हैं, देख लीजिएगा, जीरो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है. गाइस, इस कोड को यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इज लाइव. ठीक है बच्चा जी, चलिए गाइस, ये है मेरा कोड इज लाइव, 10% ऑफ. ठीक है ना, तुरंत 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे. चलिए गाइस, देख लेते कौन 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 लाइव है. हाई फतिमा, हाई ओके असद, हाई हेजल, हाई मारिया श्रेष्ठा, हेलो वैशाली, अर्षद, हितेश, स्वर्णिमा, शिखा, हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस, हाय 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 एवरीवन, कैसे हो बच्चा जी, एकदम बढ़िया, यस. हितेश, क्रेश, विकास, अलीना, बिलाल, बुशरा, विकास, रोहन, तरीनी, हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल गाइस. एंड तक रहिएगा इस सेशन के साथ, ठीक है ना. आज ऑर्गन पाइप्स को सॉल्व करने का एक अलग नजरिया बताने वाला हूं, यू विल एंजॉय दिस लेक्चर. और हाँ, जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है गाइस, लाइक को प्रेस करते रहिएगा. जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है गाइस, लाइक, लाइक्स में जरा भी कंजूसी नहीं. हाय वैष्णवी, माधुरी, खुशी, फाल्गुनी, अनन्या, स्वल्ली, धर्मेंद्र, भानु, हाय हाय गाइस, मारिया, साहिल, अभिलाषा, मौर्य, विकास, अलीना, वैशाली, सृष्टि, शिखा, हाय गाइस, गाइस हाय तरीनी, विकास, सत श्री अकाल बेटा जी, हाय गाइस. सो गाइस एंड तक बने रहिएगा. चलिए गाइस, ऑर्गन पाइप्स, ऑर्गन पाइप से पहले मैं उस चीज की बात कर रहा हूं. लेट अस टेक एन एग्जांपल, वन स्ट्रिंग इज टॉट, एक स्ट्रिंग है उसको एकदम टाइट कर दिया है दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में.
ये हमने चीज कल देखी थी, दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में एक स्ट्रिंग को टॉट कर दिया गया है। अब हल्का सा प्लग करेंगे, गिटार में कैसे हल्का सा प्लग करते हैं तो गाइज क्या वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं ना, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं ना, हाँ है ना, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस, उन वाइब्रेशंस के रिलेटेड हमें आज बहुत सारी स्टडी करनी है। ऑर्गन पाइप्स पे जाने से पहले किस तरीके से फंडामेंटल मोड्स समझ में आ रहा है ना, फॉर द स्ट्रिंग बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में स्ट्रिंग्स में कैसे फ्रीक्वेंसीज को हम एनालाइज करना है ऑफ द वाइब्रेशंस, वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चा जी, तो ये दो रिजिड सपोर्ट है, ये दो रिजिड सपोर्ट्स हैं, ठीक है बच्चा जी, हाँ है ना, उन दोनों के बीच में स्ट्रिंग टॉट है, उसको हम प्लग करेंगे तो वो वाइब्रेशंस देगी, बहुत वाइब्रेशंस देगी। अब गाइस इस वाइब्रेशंस को हम एनालाइज करना है। पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई टू, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई टू, और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई फोर। गाइज इन तीन चीजों को याद रखिएगा, सारे ऑर्गन पाइप्स और स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रिंग्स इसकी फ्रीक्वेंसी हम ये तीन इक्वेशंस के साथ करने वाले हैं। हाना श्रेष्ठा, हाय प्रीतेश, हितेश, मनीषा, अनन्या, क्लियर है ना बच्चा जी। चलिए अब ध्यान से एक विजुअल आपके सामने आ रहा है किस तरीके से। सी पहला जो है दैट इज माय फंडामेंटल मोड, पहला जो है वो क्या है बच्चा जी, फंडामेंटल मोड, क्लियर है बच्चा जी, फंडामेंटल मोड। देखिएगा इस विजुअल दिख रहा है ना, हाँ है ना। अब इसको कंटिन्यूअसली एक बार मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वो हिट करके वापस आई, लेकिन फट बार 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 ऐसे अप्लाई करते जाएंगे, समझ में आ रहा है ना, तो ओवरलैपिंग इतनी तेज हो जाएगी कि पहले ओवरलैपिंग ऐसे होगी, फिर पहला ओवरटर्न होगा, फिर स्ट्रिंग्स अपना जो सी जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, समझ में आ रहा है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से अपना शेप चेंज करती जा रही है, ये पूरा विजुअल में दिखाया हुआ है। यस द बेस्ट एग्जांपल शिखा, जिम रोप, यस ठीक है ना। पहले अगर फंडामेंटली एक बार हिट किया तो देखो ये कैसा आया, तो ओवरलैपिंग में ये फॉर्म हो, फिर धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो किस तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में ये पहला होगा, आफ्टर सम टाइम इट विल बी टू, आफ्टर सम टाइम इट विल बी थ्री, आफ्टर सम टाइम इट विल बी फोर, दिस काइंड ऑफ द शेप फॉर्मेशंस आर डन, इस तरीके के शेप फॉर्मेशंस आते हैं, क्लियर है बच्चा जी। अब ध्यान से इसका हमें एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, ये मेरा हो गया फंडामेंटल मोड, ये मेरा हो गया बच्चा जी, देखियो बच्चा जी बहुत जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त तरीका बता रहा हूं गाइस, ध्यान से देखना। कैन आई से दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्या मैं कह सकता हूं बच्चा जी, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है बच्चा जी, ध्यान से देखिएगा, हाँ है ना। अब ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच में सिर्फ एक सिंपल सा एंटी नोड है, तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, तो ये दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है क्या उसको मैं कह सकता हूं, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्या मैं कह सकता हूं बच्चा जी, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हाय विकास, हेलो गाइस, तो यहां पे क्या मैं कह सकता हूं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा क्या हो गया 2L। अगर मैं V इज इक्वल टू लैम्डा F वाली इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी आ रही है V बाई 2L। देखो आ गई समझ में आया बच्चा जी, कैन आई हैव द आंसर्स, समझ में आया, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी ये आई, अभी मैंने जनरल इक्वेशन नहीं बनाई है, ये मेरा फंडामेंटल मोड है, इसके बाद मैं एनालिसिस करूंगा फर्स्ट ओवरटर्न की, उसके बाद एनालिसिस करेंगे सेकेंड ओवरटर्न की, फिर हम जनरल इक्वेशन बनाएंगे, क्लियर है गाइस। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटी नोड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और उसको हमने वी इज इक्वल टू लैम्डा एफ से कंपेयर किया तो हमें फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी मिल गई, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी मिल गई, क्लियर है ना गाइस, क्लियर है, क्लियर है। चलिए गाइस अब ध्यान दीजिएगा आगे, दिस इज माय फर्स्ट ओवरटर्न, बच्चा जी क्या है ये, फर्स्ट ओवरटर्न,
अभी भी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो यही है, दिस इज एल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब गाइज देखिए एंटी नोड नोड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया लैम्डा बाई टू, समझ में आ रहा है, और दूसरी नोड फिर लैम्डा बाई टू, इसका मतलब वन एंड थ्री के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन वन एंड थ्री दैट इज इक्वल टू लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा जी एल, और v इज इक्वल टू लैम्डा एफ से कंपेयर करता हूं तो f आ गया v बाय l। क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 2v बाय 2l। तो गाइज ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटन, क्लियर है गाइज, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटन। तो गाइज फंडामेंटल हमने क्या देखी v बाय 2l, फर्स्ट ओवरटन का क्या आएगा 2v बाई 2l। अब हम देखते हैं फर्स्ट ओवरटन, फंडामेंटल मोड को कहा जाता है फर्स्ट हार्मोनिक, क्या कहा जाता है बच्चा जी फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है ना बच्चा जी। अब फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल मोड ये सारी चीजें अगर आप याद रखते हो, इससे अच्छा इस तरीके से अगर आप देखते हो, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से अगर आप देखते हो ठीक है ना बच्चा जी, तो आपको बेहतर लगेगा, इस तरीके से आप देखते हो तो आपको बेहतर लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा सारा विजुअल इसमें आ जा रहा है, फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड क्या आया बच्चा जी, फ्रीक्वेंसी कितनी आई v by 2l, ठीक है ना, फर्स्ट ओवरटन, समझ में आ रहा है, फर्स्ट ओवरटन जिसको आप सेकेंड हार्मोनिक भी कह सकते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है 2v by 2l, और सेकेंड ओवरटर्न कितना हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी कितनी F2 = 3V/2L। इसका मतलब NV by 2L के मल्टीपल से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, NV by 2L के मल्टीपल से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, क्लियर है गाइस। तो फॉर अ स्ट्रिंग्स दैट आर ऑसिलेटिंग producing the vibrations, मैं उन strings की बात कर रहा हूं जो vibrations produce कर रहे हैं between the two fixed supports, तो उसकी fundamental frequency आएगी ये, first overturn आएगी ये, second overturn आएगी ये बच्चा जी, clear है ना, और इसकी general equation ये आएगी, ये क्या आएगी बच्चा जी, general equation आएगी, ठीक है ना guys। तो ये visual आपके सामने clear है, ये visual आपके सामने clear है बच्चा जी, ये visual आपके सामने clear है ना, हाँ ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा फर्स्ट हार्मोनिक पहले वो बनेगा, फिर तुरंत शेप चेंज होगा, फिर तुरंत शेप चेंज होगा, क्लियर है ना गाइस, क्लियर है, ओके यस 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 यस। हाय श्रद्धा, हाय प्रीतेश, हाय रूबी, हाय विनय, हाय सना, हाय अनन्या, ओके गाइस, जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा राइट। अब दिस वॉज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द स्टेशनरी वेव्स इनटू द स्ट्रिंग्स, समझ में आ रहा है, तो इसमें ये इस प्रेजेंटेशन में सारी चीजें आ जाती है। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ओके नेक्स्ट, ऑर्गन पाइप्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑर्गन पाइप्स बेसिकली दो तरीके के सी, ऑर्गन पाइप्स आर नथिंग एल्स बट एन ग्लास ट्यूब्स, समझ में आ रहा है ना, हाँ है ना, ग्लास ट्यूब्स जिसको आप एयर कॉलम्स भी बोलते हो, ठीक है ना, एयर कॉलम्स भी आप बोलते हो, ठीक है बच्चा जी, है ना, एयर कॉलम्स भी आप बोलते हो, ठीक है ना गाइस। अब यहां पे सिंपल सी चीज है, ध्यान दीजिएगा बच्चा जी, क्या ध्यान से देखिएगा, ऑर्गन पाइप्स पहले तो आपके सामने एक विजुअल आ रहा है राइट, उसमें आप नीचे देख सकते हैं किस तरीके से डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरीके से डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सिर्फ आपका ओवरव्यू है आपके सामने समझाने के लिए, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है आपको समझाने के लिए, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन राइट मैं बता देता हूं, ये एक विजुअलाइजेशन है आपके सामने, ओके गाइस, हाँ इसका एक क्लासिफिकेशन आएगा ओपन एंड क्लोज, ये सेकंड विजुअलाइजेशन है, हाँ है ना, किस तरीके से कंप्रेशन रेफ्रेक्शन होते हैं और किस तरीके से किस तरीके के डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, और ये विजुअल में भी सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो रही होगी। इंपॉर्टेंट चीज है टाइप्स ऑफ द ऑर्गन पाइप्स, ओपन ऑर्गन पाइप राइट, ये एक तरीके की ऐसी ग्लास ट्यूब है दैट इज ओपन एट बोथ एंड्स, क्लोज ऑर्गन पाइप ये इस तरीके की एक ग्लास ट्यूब है
दैट इज वन साइडेड क्लोज्ड. समझ में आ रहा है ना, वन साइडेड क्लोज्ड. क्लियर है बच्चा जी, क्लियर है ना? हा ना गाइज. ओके रूही, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग रूही बेटा, हाउ आर यू ऑल. चलिए गाइज, तो मैं सिंपल सी चीज बता देता हूँ. दिस आर दी टाइप्स ऑफ दी ऑर्गन पाइप्स, और इसके रिलेटेड हम आज डिस्कशन करने वाले हैं. क्लियर है? ओके अब ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं आपसे क्लोज ऑर्गन पाइप, अ जनरल ओवरव्यू. चलो मान लो तुम लोगों को ट्यूनिंग फॉर्क पता है, कुछ इस तरीके से आता है. देखो इस तरीके से आता है, पता है ट्यूनिंग फॉर्क. जिन लोगों ने स्क्रूल में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, उनको ने हाथ में सोनोमीटर में ऐसे फटाक करके ट्यूनिंग फॉर्क का एक दबाया होगा, ऐसे मारा होगा. समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज नोन एज ट्यूनिंग फॉर्क. क्या कहते हैं बच्चा जी? ट्यूनिंग फॉर्क. क्लियर है? दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट इज नोन एज ट्यूनिंग फॉर्क. अब क्लोज ऑर्गन पाइप की, इट इज क्लोज्ड एट वन एंड. समझ में आ रहा है ना? ऑलवेज यहां पे एक पॉइंट नोट करने जैसा है. क्या? ऑलवेज एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड, ऑलवेज एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड एट वन एंड. ऑलवेज एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड एट वन एंड, मतलब यहां पे हमेशा एंटी नोड्स ही आएंगे. अब देखो गाइस, क्लोज है, जहां पे हिस्सा क्लोज है ना, वहां पे हमेशा नोड्स आते हैं. एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड एट द वन एंड दैट इज ओपन. ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना. एंड ऑलवेज नोड्स आर फॉर्म्ड, ऑलवेज नोड्स आर फॉर्म्ड एट अनदर एंड विच इज क्लोज्ड. At another end which is closed. Clear है guys? At another end which is closed. Clear है ना guys? Clear है guys? Is it clear? Completely clear बच्चा जी? हाँ है ना? तो ये चीज आप याद रखिएगा, close organ pipe में एक side है, तो यहां हमेशा nodes बनेगी और यहां हमेशा anti nodes बनेगी, चाहे कितना भी overturns हो जाए. Right? This thing is applicable for All overturns, ये सारे overturns के लिए applicable है. Clear है बच्चा जी? सारे overturns के लिए applicable है. अब ध्यान से देखिएगा, open organ pipes में क्या होता है? देखिए ये आ गया मेरा tuning fork. समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे no open ends are present, no open ends are present. समझ में आ रहा है? हाँ ना? Sorry, no close ends are present. समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे ऑलवेज देखो, ये आपकी फंडामेंटल हो जाएगी इस तरीके से. ये आपकी देखो इस तरीके से, ये फंडामेंटल हो जाएगी. तो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ओपन ऑर्गन पाइप में याद रखने की क्या है? ऑलवेज, ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब और पाइप, ऑलवेज एट द एंड ऑफ ग्लास ट्यूब एंड पाइप. समझ में आ रहा है ना? हाँ है ना? ओके एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड. क्या फॉर्म हो रहा है बच्चा जी? एंटी नोड्स आर फॉर्म. बच्चा जी अभी भी मैं इतना अंदर डिटेल में नहीं गया हूं, मैं तुम लोगों को बस ओवरव्यू बता रहा हूं. हाँ यश बेटा, इस पे क्विज होंगे, ठीक है ना बच्चा जी? है ना, इस पे क्विज होंगे. क्लियर है बच्चा जी? हाँ है ना? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल. अभी मैंने तुम लोगों को ये बताया नहीं है, पहले मैंने तुम लोगों को क्लासिफिकेशन बताया है ना बेटा, फिर मैंने तुम लोगों को बताया कि ओपन और क्लोज का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, क्लोज एंड पे क्या फॉर्म होता है और ओपन एंड में क्या फॉर्म होता है. समझ में आ रहा है ना? अभी मैंने ये सिर्फ ओवरव्यू बताया है. समझ में आ रहा है ना? अब हम चल रहे हैं, एक पाइप को पकड़ते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप्स. उसकी फंडामेंटल क्या है, फर्स्ट ओवरटर्न क्या है, सेकेंड ओवरटर्न क्या है, उनकी स्पेशलिटीज क्या है, धीरे 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 हम देख रहे हैं. क्लियर है बच्चा जी? धीरे 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 क्लिक करें, देख रहे हैं. ओके गाइस, हाँ जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है लाइक को प्रेस करते रहिएगा, क्योंकि आज ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट एकदम दबा के क्लियर होने वाला है. चलिए एनालिसिस करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप की, फंडामेंटल मोड की. मैंने क्या बताया था, क्लोज ऑर्गन पाइप में ओपन की तरफ हमेशा एंटी नोड बनेगा और क्लोज की तरफ नोड बनेगा, और ये लेंथ दी हुई है एल. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड? ये तो बहुत सिंपल सी चीज है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड. तो बच्चा जी ये कितना हो जाएगा, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई फोर. तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चा जी, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बच्चा जी
दैट इज इक्वल टू एल एंड दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाई फोर, लैम्बडा बाई फोर, ठीक है। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, फोर एल, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो। अब v इज इक्वल टू लैम्बडा एफ से कंपेयर करो इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, समझ में आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी v बाई फोर एल। तो गाइज ये मेरी फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, ओके, हाँ है ना। अब यहां पे एक स्पेशलिटी है, क्या फंडामेंटल मोड मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। एक चीज हमेशा याद रखना, क्लोज ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक बनते हैं, क्या बनते हैं, ऑड हार्मोनिक बन रहे हैं, ठीक है बच्चा जी। ध्यान से देखिएगा, यहां पे वेव देख रहे हो तो यहां आधी वेव बन रही है, यहां पे आप देख रहे हो, समझ में आया, तो करीबन डेढ़ बन रही है, यहां पे आप देख रहे हो तो ढाई, मतलब यू कैन से ऑड 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 हार्मोनिक आर फॉर्म्ड, पूरी वेव नहीं बन रही है, समझ में आ रहा है ना। आप नहीं देख रहे, देखिए अब ध्यान से देखिए, पूरी वेव नहीं बनेगी, वेव का कुछ हिस्सा बनेगा, उसके बाद उसका कुछ हिस्सा दूसरे में ऐड होगा, उसके बाद उसका कुछ हिस्सा तीसरे में ऐड होगा, समझ में आ रहा है बच्चा जी। पूरी वेव नहीं बन रही है, क्लियर है ना, पूरी वेव नहीं बन रही है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी v बाई फोर एल आएगी। अभी भी मैंने जनरल इक्वेशन नहीं बनाई, हम जनरल इक्वेशन बनाएंगे। हाय उमर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे, जिसको हम कहते हैं, देखिए फंडामेंटल को हम n इज इक्वल टू वन भी कहेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक n इज इक्वल टू वन। अब फर्स्ट ओवरटर्न को कहते हैं थर्ड हार्मोनिक, सारे ऑड हार्मोनिक्स आएंगे और यहां पे सारे ऑड हार्मोनिक्स आएंगे, क्लियर है बच्चा जी। अब ध्यान से देखिएगा, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब हो गई, अब देखो ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया और ये नोड, नोड नोड के बीच का डिस्टेंस हो जाता है लैम्बडा बाई टू, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस हो जाता है लैम्बडा बाई फोर। तो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग क्या आ गई बच्चा जी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टू प्लस लैम्बडा बाई फोर, तो ये आ गया थ्री लैम्बडा बाई फोर, क्लियर है बच्चा जी। इसको इक्वेशन नंबर, अच्छा एक काम करते हैं, वेवलेंथ इज इक्वल टू फोर एल बाई थ्री, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दिया। अब v इज इक्वल टू लैम्बडा एफ से कंपेयर करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आ रही है 3v बाई 4l। गाइज ये हो गया क्या, फर्स्ट ओवरटर्न, पहली बार ओवरटर्न हो रहा है, थर्ड हार्मोनिक हो रहा है, समझ में आ रहा है, थर्ड हार्मोनिक हो रहा है। अब इसके बाद हम करेंगे ना सेकेंड ओवरटर्न, तो ध्यान से देखना, मैंने फंडामेंटल बताया, फिर फर्स्ट बताया, अब सेकेंड ओवरटर्न, सेकेंड ओवरटर्न मतलब मैं कहूंगा फिफ्थ हार्मोनिक, क्या कहूंगा बच्चा जी, फिफ्थ हार्मोनिक, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये बन रहा है एंटी नोड, ये बन रहा है नोड, ये बन रहा है नोड और ये बन रहा है नोड, ये डिस्टेंस हो गया लैम्बडा बाई टू, ये लैम्बडा बाई टू और ये लैम्बडा बाई फोर, तो ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू फाइव लैम्बडा बाई फोर, तो लैम्बडा आ जाएगा 4L by 5, equation number 1. V is equal to lambda f से compare करता हूं equation number 2. Clear है guys? हाना? हाना? Hi guys, hi everyone. तो यहां पे from 1 and 2, from 1 and 2, second overturn की जो frequency आ रही है, that is 5V by 4L. So guys, this is second overturn and fifth harmonic. Fifth हार्मोनिक। तो यहां से जनरल इक्वेशन बन रही है 2n-1, 2n-1 v by 4l, this is the general equation, clear है बच्चा जी, this is the general equation। अगर आप देखो पहले v by 4l आई, फिर odd में 3v by 4l आई, फिर 5v by 4l आई, clear है ना बच्चा जी, clear है ना। हाई श्रेया, रूपाली, सुमैया, किट्टी, श्रेष्ठा, स्वर्णिमा, क्लियर है ना गाइस। तो इस तरीके से अगर आप इस नजरिए से देखते हो तो चीजें आसान हो जाती है। और क्लोज ऑर्गन पाइप्स में इतना अधिक स्ट्रिंग्स के बीच में जो जितने भी ओवरलैपिंग होते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम ओवरटेंस कहते हैं, तो ओवरटेंस जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, उसमें सारे हार्मोनिक होंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, ऐसे सारे होंगे। क्लोज में क्या होगा, सारे नहीं, ऑड हार्मोनिक्स होंगे, क्योंकि वन साइड क्लोज्ड है, सेकंड साइड ओपन है,
वन साइड क्लोज्ड है, सेकंड साइड ओपन है, वन साइड क्लोज्ड है. जिज्ञासा, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू बच्चा जी, थैंक्स अ लॉट गाइस. राइट, अब ये मैंने जनरल इक्वेशन फॉर्म कर ली, बस इसमें एन की वैल्यू आप रिप्लेस करते जाओ हार्मोनिक और उसके हिसाब से. समझ में आ रहा है ना, यू विल गेट. अब इसके बाद थर्ड ओवरटर्न क्या रहेगा, गाइस थर्ड ओवरटर्न आपका क्या रहेगा, सेवेंथ हार्मोनिक. थर्ड ओवरटर्न सेवेंथ हार्मोनिक. तो गाइज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है आपकी वी बाई फोर एल, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है थ्री वी बाई फोर एल, और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है फाइव वी बाई फोर एल. तो यहां से हमने जनरल इक्वेशन ऑप्टेन कर सकते हैं. Okay guys, so this is the final analysis of the closed organ pipe or iske related most important note. Guys, most important note. Dhyan se dekhiyega bachcha ji, bahut simple si cheez hai, hai na? Ha, dhyan se dekhiyega. In closed pipes, stationary waves are established at the odd harmonic frequency. देखिए odd harmonic frequency of fundamental, तो ये याद रखिएगा. close में क्या रहेगा, हमेशा odd. close में क्या रहेगा बच्चा जी, हमेशा odd. clear है, close में हमेशा क्या रहेगा guys, odd. okay guys, है ना. definitely, thank you बच्चा जी, thanks Vivek for suggestion, please take the water. थैंक यू बच्चा जी. ओके गाइस, जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है लाइक को प्रेस करते रहिएगा, अभी नहीं जो आएंगे उनके लिए 1000+ लाइक्स फॉर दिस सेशन. राइट बच्चा जी, लाइक्स पे जरा भी कंजूसी नहीं. तो यहां पे होता है क्लोज ऑर्गन पाइप खत्म, ठीक है ना. बस कुछ नहीं, एक चीज याद रखनी, हम सम्स भी करने वाले हैं आज, एक चीज आपको याद रखनी है, क्या, क्लोज एंड पे नोड, ओपन एंड पे एंटी नोड. समझ में आ रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ढूंढो, वी इज इक्वल टू लैम्डा एफ से कंपेयर करो और फ्रीक्वेंसी बनाते जाओ. क्लियर है बच्चा जी. और ये आपको फाइनल एनालिसिस है जिसमें सारे ओवरटर्न्स आपके सामने आ चुके हैं, चलिए गाइस अब ध्यान से आते हैं ओपन ऑर्गन पाइप्स. आगे हमने ओवरव्यू देखा था ओपन ऑर्गन पाइप्स के बारे में, क्या दोनों साइड एंटी नोड्स आर फॉर्म. इसका ओवरव्यू क्या था बच्चा जी, बोथ साइड्स एंटी नोड्स आर फॉर्म. समझ में आ रहा है बच्चा जी, बोथ साइड्स एंटी नोड्स आर फॉर्म. क्लियर है, बोथ साइड्स एंटी नोड्स आर फॉर्म. क्लियर है ना बच्चा जी, क्लियर है. यहां से देखिएगा बच्चा जी, बहुत सिंपल चीज है, हाया ना. ओपन ऑर्गन पाइप्स ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी चीज है, हाया ना. ओके अब ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है. आई थिंक ओके यस इट्स करेक्ट. ओके सॉरी इट्स करेक्ट. आई एम योर ओनली. ओके गाइज चलिए अब ध्यान से देखते हैं, इसका एनालिसिस देखते हैं. फंडामेंटल मोड As usual, हमें तो क्या देखना है, As usual बच्चा जी हमें क्या देखना है, सिंपल सी चीज है ना, डिस्टेंस बिटवीन. अब देखो हमेशा ओपन एंड पे एंटी नोड्स फॉर्म होगी, तो ये एंटी नोड आ गया, ये एंटी नोड आ गया, ये नोड आ गया, एंटी नोड आ गया, एंटी नोड आ गया और नोड आ गया. तो डिस्टेंस बिटवीन लेमडा बाई फोर, ये लेमडा बाई फोर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपकी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू लेमडा बाई टू एन एल. तो यहां पे लैम्बडा आएगा 2L. इक्वेशन नंबर 1, अगेन कंपेयरिंग v इज इक्वल टू लैम्बडा f, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. तो यहां से फ्रीक्वेंसी बन रही है v by 2L. गाइस दिस इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये कौन सी है गाइस, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. क्लियर है बच्चा जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. मोहिमाना थैंक यू बच्चा जी फॉर लॉट्स ऑफ द हार्ट्स. हाँ बेटा क्वेश्चंस भी होंगे अनन्या, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, टेंशन मत लो. इसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है ना. एक का दूसरे पे ओवरलैप करना, या फिर फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी के साथ कोरिलेशन, या उस वेलोसिटी का गैसियस अरे एयर मीडियम में वेलोसिटी का चेंज होना, ये सारे क्वेश्चन आते हैं. गाइज दिस वॉज अ फंडामेंटल मोड. ओके ऑलवेज मैं फिर से लिख देता हूं, एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड एट ओपन एंड. क्लियर है गाइस. अब ध्यान से देखिएगा, पहला ओवरटर्न देखो, एंटी नोड. क्लियर है ना, या फिर चलो नोड और ये एंटी नोड. क्लियर है गाइस, देख लो. अब देखो नोड और नोड, एंटी नोड, ये लैम्बडा बाई फोर, ये लैम्बडा बाई फोर और ये लैम्बडा बाई टू. समझ गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपकी हो जाएगी लैम्बडा बाई टू प्लस लैम्बडा बाई टू, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा एन एल.
अब v इज इक्वल टू लेमडा एफ से कंपेयर करता हूं इक्वेशन वन इक्वेशन टू फ्रॉम वन एंड टू, बस यही चीज तो मैं कर रहा हूं, यही चीज तो मैं कर रहा हूं. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई एल, जिसको मैं लिख सकता हूं टू वी बाई टू एल. फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटर्न को मैं कह सकता हूं सेकेंड हार्मोनिक. फर्स्ट ओवरटर्न को मैं कह सकता हूं बच्चा जी सेकेंड हार्मोनिक, और फंडामेंटल को हम कहेंगे बच्चा जी फर्स्ट हार्मोनिक. तो इसमें ज्यादा याद रखने का इतना है ही नहीं कि कौन सा कितना हार्मोनिक है, क्या है, कुछ नहीं. इस तरीके से चलोगे सारी चीजें याद रखने वाली है, इस तरीके से चलोगे सारी चीजें याद रखने वाली है. यस बेटा, इफ यू आर हैविंग द डाउट बच्चा, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन एन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. आप हमें वहां भी मैसेज भेज सकते हैं गाइज, आप हमें वहां फॉलो भी कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप्स भी है, आप हमारे साथ वहां जुड़ सकते हैं और वहां जो भी डाउट्स है पूछ सकते हैं. ठीक है बच्चा जी, चलिए. तो ये पहले ओवरटर्न का ये आ गया, फंडामेंटल का क्या आया था v बाई टूवेल, ये 2v बाई टूवेल. अब देखो गाइस सेकेंड ओवरटर्न का क्या आएगा पता है आपको, सेकेंड ओवरटर्न का देखो गाइस लैम्डा फॉर्म हो गई है. लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाई 3 इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू लैम्डा f इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं लिख रहा हूं, द फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 3v बाई 2l. अब देखो, अब ध्यान से इक्वेशन को एनालाइज करना, ध्यान से देखो, ये v बाई 2l, ये 2v by 2l, ये 3v by 2l, second overturn मतलब third harmonic, second overturn बच्चा जी मतलब third harmonic, इसका मतलब v by 2l, 2v by 2l, 3v by 2l, 4v by 2l, 5v by 2l, 6v by 2l, इस multiples में overturns के हिसाब से frequency change हो रही है, इस multiples में overturns के हिसाब से frequency change हो रही है. तो guys यहाँ पे general equation हमारी आएगी, जनरल इक्वेशन बच्चा जी हमारी आएगी एन वी बाई टू एल, वेर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इट गोज ऑन. क्लियर है गाइस, क्लियर है ना गाइस, कैन आई हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स, है ना, एकदम बढ़िया है ना. तो ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक आते हैं, देखो ये फाइनल एनालिसिस है, हाँ ना, मतलब आप यहां देखोगे, अगर आप यहां तरीके से देखोगे तो बच्चा जी सारे एनालिसिस आ रहे हैं, हाँ ना. देखो फाइनल एनालिसिस हम देख लेते हैं ध्यान से, बेसिक फंडामेंटल मोड v by l 2l, फिर 2v by 2l एंड फिर 3v by 2l, और इस तरीके से ये ओवरटर्न्स चेंज होते जाएंगे. क्लियर है बच्चा जी, ओके क्लियर है ना, कैन आई हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट्स, यस इट्स क्लियर, ओके गाइस चलिए बहुत बढ़िया. अब ध्यान से इसके रिलेटेड देख लीजिएगा, इन ओपन ऑर्गन पाइप्स स्टेशनरी वेव्स आर एस्टेब्लिश्ड एट ऑल, क्लोज में एट ऑल की जगह क्या था, ऑड हार्मोनिक्स. क्लोज की जगह, क्लोज में एट ऑल की जगह क्या था, ऑड हार्मोनिक्स. यहां पे क्या है, ऑल हार्मोनिक्स बच्चा जी, यहां पे क्या है, ऑल हार्मोनिक्स. क्लियर है गाइस, अगर ये अच्छा लग रहा है ये तरीका गाइस अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली ओके इस सेशन के लिए लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां नहीं आ रहा है, राइट, ऑर्गन पाइप्स के रिलेटेड, इसके कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड, बहुत ही बेहतरीन चीज मिस करने वाला है, बहुत ही बेहतरीन चीज मिस करने वाला है, और हम ये बिल्कुल भी नहीं होने देंगे. ठीक है बच्चा जी, उनको जाके बोलिएगा, है ना, अब यही हालत है ना, है ना, अभी यही हालत है ना, अभी तो देश पूरा लॉकडाउन है, अभी हमें कोई काम है नहीं, ठीक है ना, तो अभी हमें घर पे एक्सटर्नल काम्स की जगह पढ़ाई ज्यादा करनी है, ठीक है ना, पढ़ाई ज्यादा करनी है. थैंक्स फॉर शुंबुल एंड श्रेष्ठा फॉर द लॉट्स ऑफ आर्ट्स. चलिए गाइस, तो ये था ओपन ऑर्गन पाइप. सो गाइस आज हमने तीन चीज देखी है, अभी हम सम्स करने वाले हैं इसके रिलेटेड. पहला हमने क्या देखा बच्चा जी, पहला हमने क्या देखा, ओवरटर्न्स इनटू द स्ट्रिंग्स जो दो सपोर्ट्स के बीच में कनेक्टेड है, दो फिक्स सपोर्ट्स के बीच में कनेक्टेड है. फिर मैंने तुम लोगों को बताया ऑर्गन पाइप्स, द क्लोज ऑर्गन पाइप एंड द ओपन ऑर्गन पाइप, द क्लोज ऑर्गन पाइप एंड द ओपन ऑर्गन पाइप. क्लियर है गाइस, क्लियर है, हाँ ना. अब चलिए पहले सम की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चा जी. See, the fundamental frequency of the closed pipe is equal to the first overturn frequency of open pipe. चलिए गाइस, मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके बता देता हूं. देखिए गाइस, मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके बता देता हूं. देखिए गाइस, ये हो गई आपकी closed pipe. Okay गाइस, और ये हो गई आपकी open pipe. इसकी length given है L1, LO. ये एल सी, क्लियर है गाइस. अब देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होती है, क्या होती है, एफ इज इक्वल टू वी बाई फोर एल फॉर द क्लोज पाइप.
ओपन पाइप का पहला ओवरटर्न, ओपन पाइप का बच्चा जी पहला ओवरटर्न ये होता है, क्या होता है बच्चा जी पहला ओवरटर्न ये होता है, तो दैट इज ओपन पाइप। अच्छा इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 60, तो सीधा सीधा इसको मैं लिख देता हूं द लेंथ दैट इज इक्वल टू v बाई 60, इसको मैं सीधा लिख देता हूं, क्लियर है ना। तो ये मेरा इक्वेशन वन हो गया और ये मेरा इक्वेशन टू हो गया। नाउ दे बोथ आर इक्वल, नाउ दे बोथ आर इक्वल, तो कैन आई से एफ सी इज इक्वल टू एफ जीरो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन नंबर टू, राइट। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा v बाई 4 ऑफ लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप दैट इज v बाई 60, तो दिस इज गोना कैंसल हायना, राइट, सॉरी दिस इज गोना कैंसल एंड दिस वुड बी एलसी, एलसी दैट इज इक्वल टू 60 बाई 4, तो लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर है गाइस, लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्लियर है ना गाइस, गाइस क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा बी दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर है गाइस, कैन हैव द आंसर्स, क्लियर है बच्चा जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, मैंने तुम लोगों को ड्रॉ करके बता दिया, ठीक है ना, इसका फंडामेंटल मोड हो गया, लो चलो मैं लिख भी देता हूं, ठीक है ना, इसका फंडामेंटल मोड हो गया, समझ में आ रहा है, और इसकी हो गई फर्स्ट ओवरटर्न, इसका फंडामेंटल मोड हो गया और बच्चा जी ये हो गई क्या फर्स्ट ओवरटर्न, क्लियर है गाइस, ओके क्लियर है ना बच्चा जी, क्लियर है, ओके गाइस, चलिए ध्यान से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चा जी, एन ओपन ऑर्गन पाइप रेजोनेट्स, एन ओपन एर्गन पाइप रेजोनेट्स इन इट्स फंडामेंटल मोड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज। देखो ओपन ऑर्गन पाइप की हमने बात कही है, ओपन ऑर्गन पाइप की जिसके फंडामेंटल मोड की जो इक्वेशन है वो 500 हर्ट्ज है, व्हाट विल बी इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। गाइज ये सारी सिचुएशन है एयर, अब हम मीडियम को ही बदल दे रहे हैं, गाइज ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर हम मीडियम को ही बदल दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, तो उसकी फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो पहले था, देखो ये पहले ये मेरा ओपन ऑर्गन पाइप आ गया, राइट, ध्यान से देखना बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये इनिशियली था एयर में, फिर गाइज ओपन ऑर्गन पाइप आ गया, राइट, और मैंने इसको देखो मैंने अभी फंडामेंटली ड्रॉ किया है, ठीक है ना, दिस ऑल आर फंडामेंटल मोड्स, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं बच्चा जी, दिस ऑल आर फंडामेंटल मोड्स, क्लियर है बच्चा जी। अब देखिए ये एयर है, ये हाइड्रोजन आ गया, राइट, तो इसकी फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी आती है v by 2 of l, v by 2 of l, अच्छा propagation of a speed, और आप कह सकते हो कि speed of a sound wave into gaseous medium या air या hydrogen, हम किस तरीके से define कर सकते हैं, Laplace correction याद आया, Laplace correction gamma p बटा rho 1 by 2 l, यहां length l है यहां length l है, दोनों में change क्या हो रही है density, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, एफ ऑफ एयर होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। तो एयर में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 500, हाइड्रोजन में हमें ढूंढनी है, राइट, हाइड्रोजन में हमें ढूंढनी है 1.20, ओके डेंसिटी 1.2 है और ये 0.89 है गाइस, तो यहां से हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनटू द हाइड्रोजन अप्रोक्सीमेटली 1800 एंड ऑन माय कैलकुलेशंस द रिसर्च कैलकुलेशंस, राइट, ये आंसर आएगा, क्लियर है गाइस, कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट गाइस। तो यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसमें जो v आपको वेलोसिटी दिख रहा है उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसको हम गाइस रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो गाइज हमारा आंसर यहां क्या रहेगा सी दैट इज इक्वल टू 1840 हर्ट्ज। तो जो 500 थी एयर में, अगर मीडियम हम चेंज कर रहे हैं हाइड्रोजन में, तो बच्चा जी वो किस में रिप्लेस हो जाएगी 1800 से 1840 हर्ट्ज। क्लियर है ना गाइज, मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से, A closed organ pipe of length 100 centimeter, it is closed in two unequal pieces. देखिए, एक closed organ pipe है, ध्यान से देखिएगा, जिसकी length L है, 100.
The total length that is equal to 100 centimeter. अगर इसको दो unequal pieces में cut कर रहे हैं, okay? Cut in unequal pieces. इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर इसको हम cut करेंगे, तो दो pipes बनेंगे. एक closed बनेगा और एक open will form. एक close बनेगा बच्चा जी और एक क्या बनेगा? Open. एक close बनेगा बच्चा जी और एक open. ठीक है ना बच्चा जी. तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं भाई, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया. ठीक है ना, दोनों को हमने अलग 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 कर दिया. तो बच्चा जी ये हो गया क्लोज, समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? क्लोज. अब दूसरे को अगर मैं कर रहा हूं बच्चा जी, अगर दूसरे को अगर मैं कर रहा हूं, ये मेरा हो गया ओपन. चलिए, क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, हमने इतना किया हुआ है. इसकी लेंथ मान लो L1 और इसकी लेंथ मान लो L2, दोनों का अगर ज्वाइंट करते वो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं. चलिए ध्यान से देखिएगा. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पार्ट इज फाउंड टू बी सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ द ओपन पार्ट. देखिए, फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट. फंडामेंटल ऑफ द क्लोज दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट. ठीक है बच्चा जी, है ना? विश्व रेडी बेटा एट 9 PM. ओके गाइस, चलिए तो ध्यान से देखिएगा. हाँ ना, तो इसकी फंडामेंटल क्या हो जाएगी क्लोज की? V/4L1 और इसकी फर्स्ट ओवरटर्न क्या हो जाएगी? V/L2. तो V कटा तो L2 इज इक्वल टू 4L1. बच्चा जी ये मेरा आया इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम गाइस, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्विंग, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं गाइस, तो L1 हमारा 80 सेंटीमीटर आएगा और L2 हमारा 20 सेंटीमीटर आएगा. ये हमारा आंसर रहेगा. ठीक है ना, तो हमारी जो जॉइंट थी हमारी जो जॉइंट थी बच्चा जी, ठीक है ना, L1 80 सेंटीमीटर एंड L2 दैट इज 20. ये हिस्सा मेरा 80 सेंटीमीटर से कट किया गया था, समझ में आ रहा है? और ये हिस्सा मेरा 20 सेंटीमीटर से कट किया गया था. अगर आप ऐसे करते हो तो ही इसकी क्लोज की फंडामेंटल इसके पहले ओवरटर्न के बराबर होगी. क्लोज की फंडामेंटल पहले ओवरटर्न के बराबर होगी. क्लियर है गाइस? क्लियर है ना? हितेश, अमेजिंग सर, श्रेष्ठा, यस भैया, थैंक यू बच्चा जी. क्लियर है ना? सो गाइस, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. मैं तुम लोगों को पहले से बता देता हूं बच्चा जी, पहले हमने क्या देखा, देख लो एक बार. ठीक है ना, ये शॉर्ट रिकॉल है मेरी तरफ से, शॉर्ट रिकॉल है. इससे सार मैं तुम लोग को जो पढ़ाऊंगा वो 24 घंटे दिमाग में रहेगा. शॉर्ट रिकॉल से क्या फटफट फटफट फट वो स्क्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा. ध्यान से देखो, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग. ठीक है ना, पहले हमने ये देखा, इसमें हमने ओवरटर्न्स देखे, विजुअल दिखाया, फिर इसकी हमने एक टेक्निक डेवलप की, फर्स्ट ओवरटर्न, सेकेंड ओवरटर्न, थर्ड ओवरटर्न. फिर ऑर्गन पाइप्स हमने देखा, दो क्लासिफिकेशन देखी. ठीक है ना बच्चा जी, ओपन एंड क्लोज्ड. ठीक है बच्चा जी, है ना, उनका दोनों का ओवरव्यू बताया कि क्लोज पे नोड बनेगी, ओपन पे हमेशा एंटी नोड बनेगी. फिर मैंने क्लोज ऑर्गन पाइप का एनालिसिस किया, फंडामेंटल मोड, फर्स्ट ओवरटर्न, सेकेंड ओवरटर्न, फिर फाइनल एनालिसिस किया और जनरल एक इक्वेशन बनाई. ठीक है, फिर मैंने तुम लोगों को एक नोट दी कि क्लोज में सारे ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, क्लोज में सारे ऑड हार्मोनिक्स आते हैं. अब बच्चा ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है? दोनों ओपन साइड पे एंटी नोड ही फॉर्म हो गए, दोनों ओपन साइड पे एंटी नोड ही फॉर्म हो गए. और इसका फंडामेंटल देखा, वो टेक्निक है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंटी नोड वाला, उन दोनों को कंपेयर करके करना है. फंडामेंटल बनाया, पहला ओवरटर्न बनाया, सेकेंड ओवरटर्न बनाया और उसके बाद हमने फॉर्म की जनरल इक्वेशन. ठीक है ना, और उसके बाद मैंने तुम लोगों को नोट दी, यहाँ पे ऑड नहीं, ओपन में यहाँ पे सारे हार्मोनिक फॉर्म्स होते हैं, सारे हार्मोनिक्स फॉर्म होते हैं. ऋषिकेश से ऑसम सर, गाइस इस टेक्निक के बाद तुम लोगों को रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं रहेगी. अगर इस टेक्निक से चलोगे तो सारे ओवरटर्न, सारे नोट सब याद रह जाएंगे बच्चा जी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और ये ओपन ऑर्गन पाइप का फाइनल एनालिसिस, पहला सम, दूसरा सम और तीसरा सम. ठीक है बच्चा जी, ओके. अब ये एक मेरी तरफ से एडिशनल इंफॉर्मेशन है. ठीक है ना, हाँ है ना, ओके. एडिशनल इंफॉर्मेशन है रेजोनेंस ट्यूब, समझ में आ रहा है ना? जनरली रेजोनेंस ट्यूब इट इज मेजर्ड, ओके, इट इज यूज टू मेजर द स्पीड, स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होती है. समझ में आ रहा है? हाँ है ना, ठीक है ना. तो यू कैन सी दिस इज अ काइंड ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट? यू कैन मूव ऑन विद दैट.
राइट बच्चा जी, हाँ है ना। चलिए गाइस अब ध्यान से, हमारा सेशन एंड की तरफ जा रहा है गाइस। जो अनअकैडमी सब्सक्राइब कराना चाहता है और इंद्रजीत सर से पढ़ना चाहता है, फिजिक्स ऐसी पढ़ाएंगे कि दूसरों को पढ़ाने के लिए हो जाओगे, ठीक है बच्चा जी। तो इस कोड को यूज करके बच्चा तुरंत सब्सक्राइब कर लो इस कोड को, इज लाइव, इंद्रजीत सर इज लाइव, यू ऑल आर लाइव, फिजिक्स इज लाइव, ठीक है बच्चा जी। आदित्य से सर बल्ले बल्ले जी, चलिए बहुत बढ़िया बच्चा जी। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस कोड को यूज करके, इस कोड को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, 10% डिस्काउंट और प्राइस ड्रॉप भी हुआ है और यू विल हैव अ जीरो कॉस्ट की ईएमआई, ऐसे कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल है, ठीक है बच्चा जी। ध्यान से ओके, ये हमारे सिस्टर चैनल जेडब्ल्यू फाउंडेशन इन नीट गाइज, इट्स ऑल अबाउट लेट्स क्रैक इट, ओके गाइज। तो ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा विद द हैशटैग, और गाइज जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तुरंत बेल आइकन प्रेस कर लो, हम एक दूसरे से हालचाल पूछते रहेंगे, ठीक है बच्चा जी, है ना, हमारे सेशंस ऐसे आते रहेंगे। चलिए गाइस बहुत सिंपल सी चीज है, ये कोड है इज लाइव, इसको यूज कीजिएगा इमीडिएटली टू गेट 10% ऑफ, ओके गाइस। सो दिस इज इंद्रजीत सिंह, गाइस स्टे सेफ स्टे होम, और ईमानदारी से बोल रहा हूं पढ़ते रहो, आज पहला दिन है, ठीक है ना, है ना, आज पहला दिन है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उल्टी सीधी हरकतें करते रहो, ठीक है ना, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दो, नीट अभी भी आएगी, ठीक है ना, नीट आएगी। चलिए गाइस तो स्टे सेफ ओके, स्टे एट होम विद योर फैमिली एंड पढ़ते रहना, ओके गाइस। सो मेरे जाने का वक्त आ गया है, फिर आते रहूंगा ऐसे ऑसम सेशन के साथ, ठीक है बच्चा जी। सो दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क, बाय बाय बच्चा जी, बाय बाय, नमस्ते।